पंजाबी रैपर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग ने एक बार फिर सलमान खान को धमकी दी थी। इसको लेकर मुंबई पुलिस की एक टीम सोमवार को सलमान खान के घर पूछताछ के लिए पहुंची। पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करके बाहर निकल आई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है। कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की एक टीम बहुत जल्द पंजाब जा रही है, जहाँ वो सलमान खान के इस मामले में पूछताछ करेगी। पंजाबी रैपर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गों ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम जल्द पंजाब जा रही है, जहां वह सलमान खान के इस मामले में पूछताछ करेगी। सलमान खान के पिता सलीम खान को पार्क में एक लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा हाल भी मूसेवाला जैसा कर देंगे। इस घटना के बाद से सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद खबर आई थी कि सलमान खान के घर की रेकी की गई है। हालांकि पुलिस ने रेकी करने वाले शख्स से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि कपिल पंडित नाम के शख्स ने बताया है कि सचिन विश्नोई और संतोष यादव के साथ मिलकर लॉरेंस विश्नोई के आदेश पर उसने सलमान खान के घर की रेकी की थी। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गायक की हत्या के बाद सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। बता दें कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी और उनके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि बीच वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद गए थे। इसके बाद ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस से हथियार रखने के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। पुलिस ने वो एक्सेप्ट करते हुए उन्हें लाइसेंस दे दिया था। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि मुंबई पुलिस ने दिल्ली आकर उससे भी घंटों इस मामले में पूछताछ की थी, जिस पर उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसी के कहने पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई और उनके घर की रेकी की गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। खबरों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अपने कुछ गुर्गों को नेता सलमान खान की रेकी करने के लिए कहा था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।